Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. So, क्या हाल चाल आप क्या है? Hope सभी बहुत बढ़िया होंगे. मैं भी बहुत बढ़िया. So, भाई शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन के साथ साथ घर वालों की तो लगी पड़ी है क्योंकि जागना पड़ता है. नींद पूरी नहीं हो पा रही किसी की भी. तो सेम जो आपके बाराती या फिर घराती जो भी शादी में आते हैं उनका भी हालत कुछ ऐसी ही है जैसी अभी फिलहाल मेरी है. मैं घरातियों में से था और बाराती बन के गया था. ऐसा ही कंडीशन है कि ना उठने में और ना ही सोने में, ना तो नींद पूरी हो रही और ना ही नींद आ रही क्योंकि घर से बाहर निकलना है. दिन में तो कोई ऐसा सच कोई सो नहीं पाता और रात को वही टाइम हो जाता. 12-1 तो आराम से बजते हैं. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. तो समझ ही में ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें. जबान भी लड़खड़ा रही है. समझ रहे हो आप क्या कंडीशन है? तो भाई एक रिश्तेदारों से एक रिक्वेस्ट है, भाई आसपास ही शादी कर लो. बहुत दूर दूर की लड़कियों का वो ना करो भाई. 6 घंटे भाई मायने रखते हैं. 6 घंटे जाना और 6 घंटे आना. और भाई 6 घंटे कम से कम वहां पे रुके भी. 6-8 घंटे तो मतलब रुकना ही पड़ेगा क्योंकि शादी आपको पूरी अटेंड करनी है. तो वही कंडीशन थी. सो ओवरऑल 24 घंटे पूरा उसमें लग गया. और जब आ रहा था मैं रास्ते में से तो ऐसी कंडीशन थी कि बिल्कुल नींद में. ड्राइवर कोई था नहीं साथ में, खुद ही ड्राइव करनी पड़ी. मतलब मैं खुद ही करता हूँ. मैं अपनी गाड़ी वैसे किसी को ड्राइव करने के लिए देता नहीं, तो खुद ही मैं ड्राइव कर रहा था. आँख में नींद के झपके लिटरली मैंने करीब 100 मीटर तो मेरे को ऐसा लगा मैंने जैसे गाड़ी आँख बंद करके चलाई है. फिर मेरी आँख खुली. मैंने कहा ये तो गलत हो गया भाई. कुछ ना कुछ खा लो. और उस टाइम उस गाड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ रखा रहता है जैसे सुपारी हुई या मुंह में कुछ भी मतलब टॉफी वगैरह. उस दिन तो कुछ भी नहीं था. उस दिन क्या परसों की बात है, कुछ भी नहीं था. और कल पूरा दिन ऐसा वेस्ट गया. ना सो पाया ना जग पाया. पूरा आधी नींद अर्ध निंद्रा में था मैं. तो ऐसा रहा मेरे साथ. और फिलहाल शादी में से सब कुछ फाइनल कर पुरा के सब हो गया. बहुत अच्छी शादी रही. So, आज आपके सामने फिर से दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड करते हैं आज के दिन की शुरुआत. फिलहाल मैं थोड़ा सा मुझे काम है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एंड उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ आपको. अनबॉक्सिंग ये है कि भाई मैंने कुछ दिनों पहले ना आपको प्रिंटर देख लिया था. आपको वीडियो भी दिखाई थी कि मैं जो भी नया गैजेट लेता हूँ तो मैं उसकी वीडियो बना लेता हूँ. तो कुछ ऐसा ही था. सो मैंने एक उसके साथ एक वॉच थी फायरबोल्ट की. सो मैं घर से अभी निकल रहा था तो वो बंदा डिलीवरी बॉय जो होता है जो क्या कुरियर वाले भैया आए. उन्होंने नाम बोला. मैंने कहा हाँ जी हम ही हैं. तो कह रहे हैं आपका एक कुरियर है. मैंने कहा दे दो भाई. तो हम कुरियर लेके आए. मैंने कहा घर पे आके तो ऊपर तो जा नहीं सकते वापस रखने. आप आके जब ही देखेंगे. हमने अपनी गाड़ी में रख के इसे हम अपने साथ निकल लिए. तो अब जब हमारे सारे काम फाइनल हो जाएंगे तो हम घर जाएंगे और घर जाके फिर इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि ये ठीक है. वैसे इस पे जो MRP मैंने अभी देखा था 18,999 रुपये लिखा हुआ, बट ऑनलाइन ये दिख रही थी अमेज़ॉन वगैरह पे 2,000 रुपये की, 1999 रुपये की. मतलब 10% में मिल जाएगी आपको. तो कंपनी है, MRP तो कुछ भी लिख देती है. ऐसा ही चलता है भाई कंपनी इसका. सो फिलहाल करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग घर आके और मैं आपको थोड़ी देर में फिर घर पे ही मिलूंगा क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा पाऊँ. गाड़ी चलाऊंगा या अनबॉक्सिंग करूंगा, समझ रहे हो ना? ऐसा ही कुछ है. फाइनली भाई मैं आ गया हूँ अपने घर और देखो मेरी टेबल भाई सारी फैली पड़ी है काम शाम के चक्कर में. और टाइम हो गया 4:10. अब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ उसकी कि कैसा है. घड़ी हमारी जो आई है. सो वेट करो. तो ये है वो फायरबोल्ट की जो घड़ी जो प्रिंटर के साथ आई है. AMOLED ब्लूटूथ कॉलिंग AMOLED. और फिलहाल मैं इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग, दिखाता हूँ कैसी है ये.
मल्टीपल वो है भाई, इसमें 368 और 448 पिक्सल्स की है, मेगा पिक्सल्स होगा ये रिजोल्यूशन इसका लिखा हुआ। 110 प्लस स्पोर्ट्स हैं, इनबिल्ट माइक हैं, इनबिल्ट गेम्स हैं, IP67 वाटर रेजिस्टेंट है और ब्लूटूथ कॉलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये कलर मिला भाई, फिलहाल ये है वॉच फायर बॉल्ट की, अच्छी सी लग रही है यार देखने में। इसको भी करते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स में क्या मिला। बॉक्स में इसका एक ये यूज़र मैनुअल स्मार्ट गाइड करके, और ये वारंटी कार्ड वगैरह है, रजिस्टर फॉर वारंटी, और ऐप के लिए, और ये सरप्राइज स्कैन करें फ्री बुक माई शो वाउचर, तो इसको स्कैन करेंगे तो बुक माई शो का वाउचर मिलेगा। और इसकी है ये एक केबल जिससे ये चार्ज होगी। तो फिलहाल मैं इसको देखता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है क्योंकि भाई बाहर ही बैठा हूँ मैं, मेरा जो अभी टेबल लेने का प्लान था वो बना नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे रखूँ टेबल। सो फिलहाल मैं डाइनिंग टेबल पे ही बैठा हूँ अपनी। ऑन तो हो गई, तो चार्ज करनी पड़ेगी फिलहाल, ये स्टार्ट तो हो गई भाई। ये कौन सी देवी जी आई है सामने, टच काफी स्मूथ है, स्टेप्स काउंट है, और इसका मेन्यू कहाँ से खुलता है भाई, ये रहा इसका मेन्यू, मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हार्ट बीट के लिए है, सो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, टॉर्च भी है, डिस्प्ले का काम करेगी टॉर्च जो है, और गेम्स का है, यंग बर्ड करके है, और एक 2048 ये क्या है, ये बोर्ड गेम करके है, आपको बैक निकलना होगा, तो यस क्विट करना है गेम को और ऐसे आ जाएंगे। ये फिलहाल डिस्प्ले है। सो ये मिलती है भाई इस प्रिंटर के साथ ये घड़ी। सो फिलहाल भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।